समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झांसी के ऐतिहासिक किले पर धूमधाम के साथ तिरंगा झंडा फहराया गया। ध्वजारोहण के मौके पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार समेत जिले के गणमान्य नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने आजादी की लड़ाई में अपनी शहादत देने वाले सेनानियों को याद किया और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए एकजुट होने की अपील की। झांसी किले के अलावा जनपद में अन्य स्थानों पर भी धूमधाम के साथ ध्वजारोहण किया गया। रेलवे कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय, पुलिस लाइन समेत भारत सरकार और प्रदेश सरकार के कार्यालयों के अलावा विद्यालयों में भी ध्वजारोहण कर आजादी के इस दिन को याद किया गया। रेलवे का काफी योगदान है भारत के विकास में। इसके थ्रू हम यातायात और माल का परिवहन करते हैं, जिससे कि कोई भी मार्केट में सामान इधर से उधर से जा सकता है। और खास करके हमारे पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, उसमें झांसी डिवीजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे काफ़ी यातायात होती है। और इस समय मैं यही समय अवसर पर ही संदेश देना चाहूँगा कि इस जो स्वतंत्रता दिवस के दिन हमें याद रखना चाहिए कि ये बहुत मुश्किल से मिली है। लोगों ने काफ़ी बलिदान किए हैं और उसके बाद हमें ये स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता मिला है। इसे हमें संजो कर रखना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपस में भाईचारा और एकता कायम रखें। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं रानी महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की इस धरती के सभी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज के इस दिवस पर अपने सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभी झांसी वासियों से अपील करता हूं कि आज के दिन हम सब लोग उनके प्रण और उनके जो मूल्य हैं उनको याद करें, अपनी युवा पीढ़ी को उसको बताएं, ताकि ये देश अनवरत ऐसे ही आगे चलता रहे, विकसित होता रहे। धन्यवाद।